لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم। हुजूर के मौजजात में से आज जिस मौजजे को हम जिक्र करेंगे वो ये है कि एक दूध पीते बच्चा जो कि गूंगा भी था, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने उससे कलाम किया तो उसने आपको जवाब दिया और हुजूर की नबूवत और रिसालत की शहादत दी। इस ज़मन में जो हदीस आती हैं हम उनको आज आपके सामने रखेंगे। पहली हदीस जो है वो तारीख इबन कसीर में जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 159 पर आती है। ये वाक़ जो है वह हज्जतुल विदा का है और चूँकि सीरतुल नबी के दुरूस में भी हज्जतुल विदा ही डिस्कस हो रहा है तो इसलिए उस मुनासिबत से ये वाकया हमने मौजज़ातुन नबी के ज़मन में, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग हमने अलग रखी है। तो बहरहाल अब्दुल्ला बिन मुआइकीब कहते हैं कि मैंने अपने वालिद मुआइकीब से और वो अपने वालिद से बयान करते हैं कि यानी कि अब्दुल्ला के दादा, वो कहते हैं कि मैंने हज किया था, हज्जतुल विदा का मैं मक्के के घर में दाखिल हुआ, मैंने इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ियारत की, आपका चेहरा अनवर चांद की गोलाई की तरह था। मैंने इनसे अजीब बात सुनी, एक आदमी इनके पास एक नौ मौलूद बच्चे को ले आया, उसने इसको कपड़े में लपेट रखा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि मैं कौन हूँ, उसने बताया आप अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह, हुजूर ने इसको दुआ दी बारकल्लाहु फीक, अल्लाह तुझे बरकत दे, मगर इस कलाम करने के बाद वो लड़का कभी ना बोला, जिससे मालूम हुआ कि वो मादरजाद गूंगा था। अच्छा, इस रिवायत में कुछ और तफसीलात भी आती हैं। एक और रिवायत आती है जिसको इमाम बैहकी ने जिक्र किया है और उस रिवायत के रावियों में मुहम्मद बिन यूनुस कुदैमी है और मुहम्मद बिन यूनुस कुदैमी जो है वो मतरूकीन में से है, यानी कि वो अहादीस को वदा बनाया करता था, वदा किया करता था, गालिबन हज़ार हदीसें उसने वदा की थी, तो अल मजरुहीन के अंदर उसका जिक्र मिलता है। लेकिन इस हदीस को इमाम बैहकी ने इसलिए यहाँ नकल किया दलाइलुन नबुवा में क्योंकि इसके अंदर मुहम्मद बिन यूनुस कुदैमी है तो सही, लेकिन ये हदीस सिर्फ मुहम्मद बिन यूनुस कुदैमी के तरफ से नहीं मिलती आपको, इसमें और रावियों के तुरुक से भी मिलती है जो सारे के सारे फिर अब्दुल्ला बिन मुआइकीब तक पहुंचते हैं। तो इसीलिए जो है अब्दुल्ला बिन मुआइकीब जो है वो उसको जो रिवायत करते हैं अपने वालिद से, अपने दादा से, तो एक जो है उसकी सनद जो है मोहम्मद बिन यूनुस कुदैमी से पहुंचती है और जो हाफिज इब्ने कसीर ने जिस सनद से इसको रिवायत किया है वो मोहम्मद इब्ने कुदैमी से, बिन यूनुस कुदैमी से नहीं आती। तो बहरहाल इसलिए इमाम बैहकी ने भी इसको दलाइलुन नबुवा में नकल किया है। अच्छा, इसके अलावा जो है इसकी और भी कुछ अहादीस में पता चलता है कि उस बच्चे को हुजूर के पास लाया क्यों गया था और उस बच्चे ने क्या कभी कलाम किया या नहीं किया। तो इस ज़मन में शिमर बिन अतिया से और वो अपने बास शुयूख से ये रिवायत लेते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बच्चा लाया गया जो बाद में जवान हो गया था मगर इसने हरगिज कलाम नहीं किया था। उस बच्चे से हुजूर ने कहा था कि मैं कौन हूँ, उसने बताया कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अच्छा, इसी ज़मन में तारीख इब्ने कसीर में एक और रिवायत भी आती है और इस रिवायत पर हम आज के इस मुख्तसर दर्स का इख्तिताम करेंगे और इसमें भी शिमर बिन अतिया ही का जिक्र है और यही जिक्र है कि उन्होंने अपने बास शुयूख से ये रिवायत बयान की है कि एक औरत अपने बेटे को अल्लाह के रसूल के पास ले आई, इसने हरकत की तो वो बोली या रसूल अल्लाह मेरे इस बेटे ने कलाम ही नहीं किया जब से पैदा हुआ है, यानी कि गूंगा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसको मेरे करीब कीजिए, लिहाजा इसने इसे आपके करीब कर दिया। फिर आपने इस बच्चे से पूछा मैं कौन हूं, उसने बताया आप अल्लाह के रसूल हैं।
سبحان الله. اللهم صلی وسلم وبارك على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں.